हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE, एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश। तो आपका वेलकम है इस क्लास में, जो आज प्रैक्टिस क्लास होगी, जो मैंने कल आपको सेंटेंस पढ़ाए थे टू बी पास्ट के, आज हम उन सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले इस क्लास में। सो यह सेशन वेरी शानदार होने वाला है और आप इस सेशन को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टू वर्ब की प्रैक्टिस, टू वर्ब पास्ट की प्रैक्टिस, और मैं कुछ मीनिंग्स लेकर आया हूँ, जो सिक्स मीनिंग्स हैं आपके लिए, जो ताकि आपकी वोकैबुलरी भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके, और मैं कोशिश करूँगा डेली 5-6 मीनिंग आपके सामने ला सकूँ, ताकि आप आसानी से आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाए और आपकी स्पोकन भी इम्प्रूव होने लगे, क्योंकि हम ग्रामर सीख जाएंगे और तो हमें वोकैबुलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। बिना वोकैबुलरी के आपका बोलना मुश्किल होगा, इसलिए स्पोकन इंग्लिश में वोकैबुलरी का भी एक खासा महत्व है। विदाउट वोकैबुलरी के आपकी अंग्रेजी बोलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। दैट्स वाई आई हैव ब्रॉट फॉर यू द वोकैबुलरी विथ प्रैक्टिस। सो आई हैव द 6 and 7 सेंटेंस, मेरे पास 6-7 सेंटेंस हैं, आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हमें सेंटेंस को बोलना कैसे है, क्योंकि बिना बोले हम अंग्रेजी को सीख नहीं सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस टू बी पास्ट की। सो लेट स्टार्ट। इससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप नए हैं तो कृपया, मेरी एडवाइस है कि आप इंट्रोडक्शन क्लास से देखें, ताकि आप पूरी क्लासेस को इंजॉय कर सकें। आप अंग्रेजी सीखेंगे विथ एनर्जी के साथ, इंजॉय के साथ, फन के साथ आप अंग्रेजी सीखेंगे और बिल्कुल आसानी से आप अंग्रेजी सीखेंगे। और यदि आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तक, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ग्रुप है ECLE ग्रुप आपकी, और ग्रुप की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन है। सो कृपया ग्रुप को भी ज्वाइन करें और ग्रुप में आप प्रैक्टिस करें। आपके जो भी डाउट्स हैं आप ग्रुप में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपकी डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले जो आपके पास, जो मेरे पास जो 5 and 6 मीनिंग है, मैं मीनिंग बताऊंगा, आपको मीनिंग लिख लेना अपनी कॉपी में, और इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस इन मीनिंग्स को यूज़ करने हैं आपके सेंटेंस में। और मीनिंग है आपके नाउन और एडजेक्टिव से रिलेटेड है, तो बिल्कुल इजी है मीनिंग, ज़्यादा कोई वो नहीं है। हम डेली बेसिस पर हम यूज़ करते हैं, सुनते हैं स्पोकन में। तो फर्स्ट मीनिंग है प्रोपोनेंट की मीनिंग होती है समर्थक, या आप सपोर्टर्स भी कहते हैं। सेकंड मीनिंग इज दैट अगेंस्ट मीन्स होता है खिलाफ। और थर्ड मीनिंग है अट्रैक्टिव, हम बोलते हैं ये चीज़ अट्रैक्टिव दिख रही है, ये अट्रैक्टिव दिख रही है, हम बोलते होंगे, तो यह मीनिंग अट्रैक्टिव है, डेली बोलचाल की भाषा में यूज़ किया जाता है। फोर्थ मीनिंग इज दैट डिफ़िकल्ट, मैं अक्सर यूज़ करता हूँ मीनिंग को, डिफ़िकल्ट कठिन, ये चीज़ कठिन है, तो फोर्थ मीनिंग इज दैट डिफ़िकल्ट। एंड योर फिफ्थ मीनिंग इज दैट, आपकी फिफ्थ मीनिंग है एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स होता है अभिमानी, जिस व्यक्ति को अभिमान हो उसे हम अभिमानी कहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग अभिमानी रहते हैं और वो पता नहीं क्यों अपने अभिमान में जीते रहते हैं, लेकिन हमें अभिमान नहीं रहना, हमें लोगों से कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, हमें सौम्य व्यक्ति होना चाहिए। और लास्ट मीनिंग है आज की कोकी मीन्स होता है अहंकार, जिस व्यक्ति को अहंकार है उसे हम कोकी बोलते हैं, COCKY कोकी। तो यह यू हैव द 6 मीनिंग, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और जब आप सेंटेंस बनाएं तो इन मीनिंग का यूज़ करें। तो आज की जो 6 मीनिंग हुई, और मेरे पास सेंटेंसेस भी हैं। तो पहला सेंटेंस है, भारत अमीर था, तुम अहंकारी थे, उसका भाई आकर्षक था, तुम्हारा घर बड़ा था, मैं तुम्हारे खिलाफ था।
तो आई हैव द फाइव मीनिंग्स, सॉरी आई हैव फाइव सेंटेंसेस, और पहला मैं सेंटेंस बनाऊंगा, उसके साथ आप सेंटेंस को बोलने का प्रयास करोगे। आप सेंटेंस को बोलना कैसे है, ट्रांसलेट कैसे करना प्रयास करोगे, ताकि आप जब कोई व्यक्ति या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आवे, आपको ट्रांसलेशन करना पड़े, तो आप एक सेकंड में ट्रांसलेशन कर सको। मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, बस जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो वही करना है, और आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कॉन्ट लर्न इंग्लिश। बिना प्रैक्टिस के आप अंग्रेजी सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ ली होगी, सब कुछ कर लिया होगा। और कुछ लोग बोलते हैं मैंने ग्रामर पढ़ ली, वोकैबुलरी रट ली, लेकिन मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप अभ्यास नहीं करते हैं, और जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप अंग्रेजी को सीख नहीं पाएंगे। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप जानते हो गाड़ी का क्लिच कहाँ है, गियर कहाँ है, क्लिच कैसे दबाना है, गियर कैसे उसको अप्लाई करने हैं, और गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर आप जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तब तक आपको बाइक चलाना या कार चलाना इम्पॉसिबल है। सो लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके पास वोकैबुलरी होगी, ग्रामर होगी, लेकिन आप अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते इन सेंटेंस की। सो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। सो आज हम सेंटेंस बनाएंगे, मैं तुम्हारे खिलाफ था, मैं फोर्थ दूंगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अलग है। डेट्स वाई आई हैव चूज्ड दिस सेंटेंस। सो सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारे खिलाफ था। तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदी और अंग्रेजी में सेंटेंस बनाए जाते हैं, मैं हिंदी अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ मैं तुम्हारे खिलाफ था, मैं तुम्हारे खिलाफ था। तो अपने पास खिलाफ की मीनिंग है ये अगेंस्ट, तो क्या आएगा, आई के साथ, मैंने कल बताया था पास्ट में आई के साथ किसका यूज़ होता है, वॉज का यूज़ होता है। आई वॉज अगेंस्ट तुम्हारे, और तुम्हारे की मैंने जब मीनिंग बता रहा था, मैं यू मीन्स तुम्हारा और तुम्हारे या तुम, तो मैंने बताया था तुम्हारा मतलब होता है यू, तो सेंटेंस बन जाएगा आपका आई वॉज अगेंस्ट यू। फिर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं था, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं था। कौन कह रहा है भाई मैं तुम्हारे खिलाफ था, आई वॉज नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं था, कौन बोल रहा है भाई, किसी ने झूठ बोला होगा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। क्या मैं तुम्हारे खिलाफ था, आप बना सकते हैं, आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या मैं तुम्हारे खिलाफ था, कैसे बनाएंगे, वॉज आई अगेंस्ट यू। जैसे आपको बोलना होगा कि तुम मेरे खिलाफ थे, या क्या मैं तुम्हारे खिलाफ था, वॉज आई अगेंस्ट यू, आप आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो बोलेंगे नहीं तुम नहीं थे भाई, या तुम थे। पर क्या मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं था, क्या मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं था, क्या आएगा, वॉज आई नॉट अगेंस्ट यू, ओके, क्या मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं था। फिर बनेगा मैं तुम्हारे खिलाफ कब था, तुम्हारे खिलाफ कब था, कब का मीन क्या होता है, वैन, डब्ल्यू एच एन, वैन वॉज आई अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ कब नहीं था,
मैं तुम्हारे खिलाफ कब नहीं था, क्या बनाएंगे? When was I not against you? आसान है आसान कि नहीं, अब बताओ। मैंने जो छह प्रकार के सेंटेंस बनाए हैं आपके सब क्लियर हो जाएंगे, कि आप क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या मैंने क्या बनाया? मैं तुम्हारे खिलाफ था, आई वॉज अगेंस्ट यू। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं था, आई वॉज नॉट अगेंस्ट यू। क्या मैं तुम्हारे खिलाफ था? वॉज आई अगेंस्ट यू? क्या मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं था? वॉज आई नॉट अगेंस्ट यू? मैं तुम्हारे खिलाफ कब था? When was I against you? मैं तुम्हारे खिलाफ कब नहीं था? When was I not against you? Easy है ना? भारत अमीर था, India was rich। भारत अमीर नहीं था, India was not rich। क्या भारत अमीर था? Was India rich? क्या भारत अमीर नहीं था? Was India not rich? भारत क्यों अमीर था? Why was India rich? भारत क्यों अमीर नहीं था? Why was India not rich? तुम अहंकारी थे, तुम क्या थे? अहंकारी थे। You are cocky? तुम अहंकारी नहीं थे। You are not cocky? क्या तुम अहंकारी थे? Were you cocky? क्या तुम अहंकारी नहीं थे? Were you not cocky? तुम अहंकारी क्यों थे? Why were you cocky? तुम अहंकारी क्यों नहीं थे? Why were you not कोगी? तुम्हारा घर बड़ा था, योर हाउस वॉज बिग। तुम्हारा घर बड़ा नहीं था, योर हाउस वॉज नॉट बिग। क्या तुम्हारा घर बड़ा था? वॉज योर हाउस बिग? क्या तुम्हारा घर बड़ा नहीं था? वॉज योर हाउस नॉट बिग? तुम्हारा घर कैसे बड़ा था? हाउ वॉज योर हाउस बिग? तुम्हारा घर कैसे बड़ा नहीं था? हाउ वॉज योर हाउस नॉट बिग? तो हम इस प्रकार से हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। आप अंग्रेजी बिल्कुल फन के साथ सीख सकते हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। ट्रांसलेशन हमें कॉपी पर नहीं सीखना है, या कॉपी पर सीख कर हमें वहाँ ख़त्म नहीं करना है। हमें ट्रांसलेशन हमारे मुँह से निकलना चाहिए, स्पोकन में निकलना चाहिए, तब हम अंग्रेजी को सीख पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसी प्रैक्टिस आपको घर पर करनी है, ऐसी प्रैक्टिस की आपको रिकॉर्डिंग करनी है, और जो आपने सेंटेंस बनाया है उसकी फ़ोटो खींचनी है ग्रुप पर। ग्रुप का नाम क्या है एक बार बता दो? ECLE। फुल फॉर्म भी कोई बोल गया, फुल फॉर्म क्या होता है कोई बता सकता है? एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश। हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है, और आप भी अंग्रेजी सीख सकते हो घर बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अंग्रेजी कहाँ सीख सकते हैं? YouTube पर, ECLE पर अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो आपको यह क्लास कैसे लगी, वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यह और यदि आप लोग दूसरों का भला करना चाहते हो, वैसे दूसरों को भला में करना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में अगर दूसरों को भला करना चाहते हैं, कोई अगर परेशान हुआ कि कोई की इच्छा अंग्रेजी सीखने की, तो आप इस चैनल को उसको बता सकते हैं कि आप ECLE को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें और प्रैक्टिस करें। अंग्रेजी बिल्कुल आप सीख जाओगे बिल्कुल फ़न के साथ, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस बनाने हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ, अपन कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।